जय हिंद दोस्तों, आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हमारे सीआईएसएफ का एक जवान सलमान खान को एयरपोर्ट से पहले चेकिंग के लिए रोकता है, उसकी वाहवाही हो रही है। देखो, दो तरीके के पागल होते हैं। एक आम आदमी पागल है, उसको सेलिब्रिटी बोल रहा है, हीरो बोल रहा है, उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए पागल है, वो जो भी हो। लेकिन हमारा एक सोल्जर होता है ना, वो अपनी ड्यूटी के लिए पागल होता है, अपने ओबिडेंटी के लिए पागल होता है, देशभक्ति के लिए पागल होता है, आप लोगों की सेवा के लिए पागल होता है। लेकिन आप लोग भेड़ बकरी की तरह उस एक इंसान के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, कैमरे वाले जा रहे हैं, नॉर्मल लोग पता नहीं फोटो खिंचा के क्या करेंगे, ये कौन सा भगवान है। अरे इसी तरीके से आप लोग इनको भगवान नहीं, भगवान उसको मानिए जो सीआईएसएफ का सोल्जर है, वो है हीरो जो आपकी रक्षा कर रहा है, आपके देश की रक्षा कर रहा है, आपकी चाहे इंटरनल सिक्योरिटी है चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, ऐसे लोग हैं हीरो। आप हीरो को नहीं पहचान पाए, वहां दो हीरो थे, लेकिन मेरे लिए वो सीआईएसएफ का जवान हीरो था जिसने अपने कर्तव्य पालन का निर्वाह ईमानदारी से किया। उसके सामने एक चाहे कोई भी वीआईपी है, चाहे ऑनरी है, चाहे नॉर्मल व्यक्ति है, उसने अपनी ड्यूटी की। मैं उसकी जवान की प्रशंसा करता हूं और उन लोगों की आलोचना करता हूं जो गैर मतलब में किसी भी जगह चले जाते हैं जहां सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के पीछे पागल की तरह घूमते हैं, अपना काम धंधा छोड़ करके कि एक फोटो खींच जाए या एक कुछ इससे कोई ना कोई फायदा मिल जाए। मैं ऐसे चीजों की भर्त्सना करता हूं। हीरो को पहचानिए। अब इस देश में उन राष्ट्रभक्त और सच्चे हीरो की जरूरत है जैसे कि नीरज चोपड़ा साहब थे। मैं उनको हीरो मानता हूं और सेना उनको हीरो मानती है। सैनिक खुद अपने आप ही हीरो है। आप एक वीडियो क्लिप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह वो सलमान खान को रोक रहा है। मैं उसके शाबाशी देता हूं, थैंक यू बोलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।